ये हमारी मैनुअल मशीन है अगर बच्चे की, जिसको चलाना बहुत ही आसान है। एक छोटा सा बच्चा हो या एक लेडीज भी हो, वो भी बहुत हल्का सा बस प्रेस करना है और ये मशीनें चलती है। और इससे आप अगरबत्ती इस तरह की निकाल के और मार्केट में सेल कर सकते। आप देख रहे हैं फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन और रनिंग में, आप देख भी रहे होंगे वीडियो में कि कैसे ये मशीन चल रही है। तो इस तरह से ये ऑटोमेटिक मशीन है, मैनुअल मशीन है और हमारे पास बहुत सारे मशीनों का हम आ गए ASB इंजीनियरिंग नागलोई में, जहाँ पे सर हैं, इनसे मिलते हैं और जानते हैं आज अगरबत्ती बिजनेस के बारे में, कैसे आप स्टार्ट कर सकते हैं, कितना खर्च आता है, कितना की मशीन पड़ जाती है, हर चीज वीडियो में जानने वाले हैं। तो सर है, इनसे मिलते हैं और जानते हैं अगरबत्ती बिजनेस के बारे में। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर बताइए, अगरबत्ती बिजनेस कोई स्टार्ट करना चाहता है तो कैसे स्टार्ट कर सकता है? हम लोग जो अगरबत्ती बिजनेस के बारे में आज बात करने जा रहे हैं जी सर, तो ये अगरबत्ती के बारे में पहले समझते हैं जी सर। जी, तो अगरबत्ती जो बनती है वो है, एक तो स्टिक का यूज किया जाता है जैसा कि आप ये देख रहे हैं, और उसके अलावा कुछ पाउडर्स का यूज किया जाता है जिसमें चारकोल पाउडर होता है, जॉस पाउडर होता है या फूलों की पंखुड़ियां होती है जी। आजकल उसको भी बुरादा बना के उसके भी अगरबत्ती बनाई जाती है। अच्छा सर, यानी कि अगरबत्ती एक ऐसा प्रोडक्ट हो गया है जो आप सुबह उठते हैं तो घर में बिना पूजा पाठ के कोई काम नहीं होता है, और जब भी पूजा पाठ होगा तो दो अगरबत्ती जो है जी जलाना एक हर घर में नेसेसरी है जी। वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हर एक के घर में ये चीज जलती है जी सर। और जो इसका बिजनेस है जी, अगर आप करना चाहते हैं जी, मतलब कि बिजनेस है कि आप एक बहुत ही छोटे स्तर से स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा सर। इतना छोटे स्तर से स्टार्ट कर सकते हैं जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते कि हम इतने कम पैसे में इतना अच्छा मुनाफा वाला बिजनेस कैसे। अच्छा सर। हाँ जी, तो हम बात कर रहे हैं आपको अगरबत्ती मशीन की जिसमें आपका ये प्रोडक्ट बन के रेडी हो जाएगा। जो अगरबत्ती आप ये देख रहे हैं ये प्रोडक्ट बना लीजिए, इसके अलावा ये इस तरह के डब्बे में आप पैक करके मार्केट में सेल कर दीजिए। अच्छा, अभी अगरबत्ती का जो सेल है मार्केट में डब्बे का वो कम से कम 10 से 15 रुपए का है। अच्छा, अगर पाउच में खरीदते हैं इस तरह के पाउचेज में तो ये कम से कम आपको 6 से 7 रुपए का पाउचेज मिलता है। अच्छा सर, और सर इसका लागत कितना पड़ जाता है? बिल्कुल बिल्कुल वही बताने जा रहा हूँ आपको कि जो अगरबत्ती आपको 10 रुपए का मार्केट में ये सेल होता है डब्बे के साथ में, इसको बनाने का खर्चा आपको बिलीव नहीं होगा कितना है। अच्छा सर, इसको पैक करके बना के पूरा अगरबत्ती इसमें डाल के आपको ओनली 2.5 से 3 रुपए के बीच में आएगा। अच्छा सर, 2.5 से 3 रुपए में 10 रुपए की जो अगरबत्ती मार्केट में सेल होती है। जी, जी, जी। अगर वही जो 15 रुपए की सेल होती है ओनली वो 4 रुपए में आपका रेडी हो जाएगा। तो सर बहुत अच्छा प्रॉफिट है इसमें, आपको 300 गुना, 400 गुना, 500 गुना तक प्रॉफिट है। अच्छा, यानी कि 2 रुपए की चीज को आप 10 रुपए में भी सेल कर सकते हैं। और इसका रेगुलर यूज होने वाला प्रोडक्ट है, मतलब बहुत ज्यादा प्रॉफिट देने वाला अगरबत्ती का मशीन है वो, जैसा कि मैंने बताया कि आप सोच भी नहीं सकते कि कितने कम पैसे में आपको स्टार्ट हो सकता है। अच्छा सर, तो अगरबत्ती मशीन का जो स्टार्टिंग प्राइस है वो ओनली 21,000 रुपए। अच्छा, ओनली 21,000 से मशीन लेकर आप बिजनेस को स्टार्ट कर सकते। अच्छा सर, इसमें जो रॉ मटेरियल यूज होता है वो जैसा कि आप देख रहे हैं ये स्टिक्स है, ये स्टिक्स है, स्टिक का यूज किया जाता है। अच्छा, और इस तरह का जो पाउडर आप देख रहे हैं इस तरह के पाउडर का यूज किया जाता है। अच्छा सर, इस तरह के पाउडर्स होते हैं। इसके अलावा इस तरह के डब्बे, यानी कि जो पैकिंग का आप काम करेंगे इस तरह के डब्बे, पाउच का, इस तरह के डब्बे का आप यूज कर सकते हैं। अच्छा सर, इसके अलावा भी और भी चीजें मैं आपको गोडाउन में चल के दिखाता हूँ। इनके सारे के सारे रॉ मटेरियल से लेके मशीन तक सारा कुछ हमारे पास आपको मिल जाएगा। आप ही के पास सारा मिल जाएगा, सारा मिल जाएगा। और अभी तो पूजा पाठ का मौसम आने वाला है, नवरात्र का समय आने वाला है। अगर इस बिजनेस को करते हैं तो इस नवरात्र में ही मतलब आप कमा के और उस पैसे को ही वसूल नहीं करेंगे, उससे 4 गुना पैसे आपके पास आ जाएंगे। अच्छा सर, गोडाउन में आ गए हैं जहाँ पे अगरबत्ती मशीनें रखी हुई है, और जैसा कि मैंने बताया था आपको कि बहुत ही बेस्ट तरीके से आप काम कर सकते हैं। जैसा कि ये देख रहे हैं ये हमारी मैनुअल मशीन है अगरबत्ती की, जिसको चलाना बहुत ही आसान है। एक छोटा सा बच्चा हो या एक लेडीज भी हो वो भी बहुत आसानी से चला सकते हैं। बस इसको हल्का सा बस प्रेस करना है और ये मशीनें चलती है।
और इससे आप अगरबत्ती इस तरह की निकाल के और मार्केट में सेल कर सकते हैं। अदरवाइज आप ऑटोमेटिक मशीन भी ले सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं खुली ऑटोमेटिक मशीन और रनिंग में आप देख भी रहे होंगे वीडियो में कि कैसे ये मशीन चल रही है। तो इस तरह से ये ऑटोमेटिक मशीन है, मैनुअल मशीन है और हमारे पास बहुत सारे मशीनों का जखीरा है, जैसा कि आप चारों तरफ देख ही रहे होंगे। इस तरफ हमारे पास बहुत सारी मशीनें हैं, उधर मशीनें हैं, यानी कि हमारे पास सारी मशीनों की मैन्युफैक्चरिंग है। जो है हम आपको ये कहेंगे कि आप जो है स्क्रीन पे दिए हुए नंबरों पे कॉल करें और हमें कॉल करके और अपने आप को से पूरी जानकारी प्राप्त करें, यानी कि सारी जानकारियां आपको कॉल पे भी मिल सकती है। अदरवाइज हमारे दिल्ली ऑफिस में नागलोई में जो स्थित है वहां पर भी आकर आप जो है सारी जानकारी ले सकते हैं या लाइव डेमो ले सकते हैं। इस तरह से जो है आप हमारे ऑफिस में विजिट कीजिए या स्क्रीन पे दिए हुए नंबरों पे कॉल कीजिए।